My Mother at 66 is a poem which is written by Kamala Das. और अब हम देखेंगे कमला दास जो राइटर हैं इस पोयम के उनके बारे में. About the author, कमला दास was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of soil. She has published many novels and short stories and she wrote under the pen name Madhavakuti. So जो कमला दास थी उनका हर एक पोयम स्वदेशी इंडिजिनस मतलब स्वदेशी और पोयम में ओरिजिनलिटी भी आप फील कर सकते हैं जो कि इस पोयम में भी आप जो भी इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया वो आप देख सकते हैं. वर्सेटिलिटी मतलब एडजस्टेबल और उनका जो पोयम है हर एक सिचुएशंस में एडजस्ट कर सकता है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग दिस पोयम लेट अस सी एट दिस क्वेश्चन. एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस राइट एंड हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. एजिंग हम हर एक पल हम अपने उम्र में बढ़ते रहते हैं तो हमने कभी सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. लेट अस लुक एट द आंसर. ओके सो एज पीपल यूजुअली अंडरगो पैंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड नीड कंपेनियनशिप. जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो लोनलीनेस अकेलापन का दर्द महसूस करते हैं और उन्हें कंपेनियनशिप चाहिए उन्हें लोगों का सहारा चाहिए होता है ताकि उनसे वो बात कर सके उनके साथ रह सके. द पेसिमिस्टिक अप्रोच डेवलप टुवर्ड्स लाइफ कैन बी सर्न्ड only if we provide them with abundant love, care, importance and empathy. और उनका जो pessimistic approach होता है optimistic का opposite pessimistic मतलब निराशाजनक approach होता है life के प्रति वो जो अपने life के प्रति develop करते हैं can be shunned, can be ignored only if we provide them with abundant love. जब हम उन्हें प्यार करेंगे उनका care करेंगे उनको importance देंगे और उनके प्रति संवेदनशील रहेंगे. They expect their children to sit calmly and talk to them about the happenings of their lives and to take their suggestions for making significant डिसीजन. और वो आशा करते हैं वो हमेशा आशा करते रहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके साथ शांतिपूर्वक बैठे उनसे बात करें और उनके जो लाइफ में हो रहे हैं उनसे वो डिस्कस करें. और क्योंकि वो बड़े हैं तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो चाहते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है उनसे उनके बच्चे सीखे और वो जो अपने लाइफ में सिग्निफिकेंट डिसीजंस लेने वाले होते हैं या फिर ले रहे होते हैं उनमें उनसे भी वो अपना राय विचार लें उनके एल्डरली पेरेंट्स से. Their lost vitality can thus be easily rejuvenated. और इससे क्या होगा कि उनका जो lost vitality है उनका जो energy है life में जो vigor होता है वो जो lost हो गया है can easily be rejuvenated. वो full of energy हो जाएंगे. okay? This happiness will encourage them to live enthusiastically. और ये जो खुशी होगा वो उनको encourage करेगा जो भी बचा हुआ उनका life है उनको encourage करेगा enthusiastically with full vigor energy to live with full जो भी life उनका बचा हुआ है उनको और अच्छे से जीने के लिए इनकरेज करेगा. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं. तो माय मदर एट 66 जो कि इस पोयम का नेम है इट रिटन बाय कमला दास वी ऑलरेडी नो हु इज फेमस फॉर कैप्चरिंग कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. द पोयम माय मदर एट 66 वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द ह्यूमन बॉन्डिंग स्पेशली दैट ऑफ ए मदर एंड डॉटर. इट डिस्क्राइब्स द पेन एंड फियर ऑफ द पोएट ऑफ लूजिंग हर मदर ड्यू टू हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ व्हिच इज डेथ. तो ये जो पोएम है वो जो हमारे लाइफ इज फेमस फॉर कैप्चरिंग कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. ह्यूमन रिलेशनशिप में जो भी कम्प्लेक्सिटीज होते हैं कम्प्लेक्सिटीज मतलब क्या यहाँ पे कम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब है कि लाइफ में जो भी हम बहुत सारे चीज़ों को ओवरकम करते हैं राइट डिजीज हो गया बहुत सारे कम्पिटिशन्स को ओवरकम करना रहता है पढ़ना रहता है बहुत रिस्ट्रिक्टेड लाइफ होता है और समटाइम्स व्हाट वी वांट टू डू वी कैन नॉट डू दैट एंड दैट इज समथिंग विच इज़ कम्प्लेक्स राइट वी हैव टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स दैट इज कम्प्लेक्सिटी. एंड दिस पोएम माय मदर एट 66 इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन बॉन्डिंग टू ह्यूमन बॉन्डिंग. वी विल सी इन दिस पोएम हाउ द कमला दास विच इज डॉटर ऑफ अवर मदर राइट वी आर सन इधर सन और डॉटर ऑफ अवर मदर सो हाउ देर इज अ बॉन्ड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन देम. The mother is also one of the purest relationship which is existing to the love between the mother and the child is unconditional, okay? And it's a really, which is only one relationship which is the purest form which is existing to the, this is a complement of this poem which I am telling by myself, okay? Finest examples of human bonding, especially that of a mother and daughter. It describes the pain and fear of the poet of losing her mother due to harsh reality of life which is death. और इस poem में हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो पोएट है उनको दर्द और उनको डर लगता है किस चीज़ से अपने माँ को खोने से. क्यों क्योंकि लाइफ का जो हार्ड रियलिटी वही है एक ही चीज़ है कि हम अगर जन्म लिए हैं तो हमें एक दिन मरना भी है. तो इन्हीं सब चीज़ को डिस्क्राइब किया है कमला दास ने इस पोएम में.
poem and explanation. Now we will read the poem and go through the meaning of the phrases line by line. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Beside का मतलब यहाँ पे near है. तो in the morning of Friday, author was traveling in a car. She was traveling from her parents' home to Cochin. Her mother was also in the car and she was sitting near her mother. She looks at her car, at her mother. कोचिन एक जगह है साउथ वेस्ट केरला में. तो वहाँ से जब वो अपने माँ के घर से जा रही थी कमला दास, तो ऑथर जो कमला दास है उन्होंने देखा कि उनकी माँ उनके बगल में बैठी हैं. डोज ओपन माउथेड हर फेस एस एन लाइक डेट ऑफ ए कॉर्प्स. तो उनकी जो माँ थी उनका मुंह खुला हुआ था, जैसे कोई बूढ़ा आदमी को आपने देखा होगा, और उनका जो फेस था वो एक मरे हुए आदमी की तरह प्रतीत हो रहा था. सो डोज मतलब होता है स्लीप, एसेन का मतलब फेस हैविंग येलो कलर, एंड कॉप्स का मतलब डेड बॉडी. एसेन लाइक डेट ऑफ ए कॉर्प्स इज असेंबली हेयर, मतलब उनका जो फेस है वो एक कॉप्स से कंपेयर किया जा रहा है. राइट. द मदर वॉज स्लीपिंग, फेस ऑफ मदर हैड बिकम येलो, द कलर वॉज सेम एज डेट ऑफ ए डेड बॉडी. उनकी मम्मी सो रही थी एंड फेस ऑफ मदर हैड बिकम येलो, पीला हो गया था, कलर वॉज सेम एज डेट ऑफ डेड बॉडी. And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. And Kamala Das then realizes that she had become very old. I felt the pain of losing her. Kamala Das is feeling the pain of losing her. Kamala Das ko dard ho raha tha kis baat ki, kyunki wo jaan rahe the ki in the coming time my mother is going to leave me. Very soon kept this thought away from mind, but since this is something which is natural and it is going to happen, and Kamala Das being educated learned it. Remove that thought, kept that thought away from his mind for time being, and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. और वो अपने खिड़की से बाहर देखती हैं कि young trees sprinting क्यों? Trees कैसे दौड़ सकता है? क्योंकि जब कार चलते रहती है या फिर किसी भी object जब motion में रहता है और हम उसके अंदर बैठे रहते हैं तो, और उसे बाहर देखते हैं तो उसके उसके रिलेशन में जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी मूव करते रहते हैं. तो जैसे कि कभी आप ट्रेन में गए हो या फिर कार से बाहर देखते हैं तो आपको लगता है कि पेड़ भी पीछे चल रहा है और आप उनसे आगे चल रहे हो. ठीक. सो एंड द मेरी चिल्ड्रेन, मेरी मतलब हैप्पी चिल्ड्रेन, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घर से बाहर आ रहे थे. सो नाउ आई लुक एट द ट्रीज दैट वी आर यंग, दे अपीयर टू बी रनिंग व्हेन वी मूव इन अ ट्रेन और अ कार. ट्रीज एट डिस्टेंस सीम टू बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. हैप्पी चिल्ड्रेन वी आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले. But after the airport security check, standing a few yards away, okay, और जैसे ही वो पहुँच गए एयरपोर्ट पे और सिक्योरिटी चेक हो गया तो वो अपनी माँ से कुछ दूर पे खड़ी थी क्योंकि उनकी माँ को तो जाना नहीं था. सो यहाँ पे बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक इज एलिट्रेशन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ए है और यहाँ पे भी जो ए है वो रिपीट हो रहा था, दैट इज एलिट्रेशन. आई कंप्लीटेड द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट. आफ्टर दैट आई stood some distance away from it. और इसके बाद I told you that she stood some distance away from her mother. I looked again at her van pale as the late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. So Kamala Das is now telling, I looked at her, my mother, once again. She was looking sick. Her face was yellow like that in winter season, the face was not shining. Okay, in winter when moon is moon rises, we will see that moon is not very much shining as compared to the moon which is rising in the summer season. I felt the pain of losing her. मुझे दर्द हुआ, महसूस हुआ अपने माँ को खोने का, कमला दास को. Okay, her eyes compared to Kamala Das, and we can also see that first time when we are getting separated from our mother. And the practical example is the first time when we are going to hostel or when we are going to college, and the first experience, the pain of separation that we are feeling, that is something which is that old familiar ache. And the same ache when you are feeling that twice, that becomes the old familiar ache. Okay, so this pain was similar to my feelings during childhood when my mother used to move away from me. मे बी अगर मार्केट छोड़ के चली जाती होंगी उनकी मम्मी या फिर कहीं छोड़ के चली जाती होंगी, तो दैट वॉज सिमिलर टू दैट. बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल.
तो सी यू सून का मतलब है विल मीट यू सून। यहाँ पे जो पोइटिक डिवाइस है यूज है ऑल आई सेड वाज सी यू सून, तो यहाँ पे एस एस एस, यहाँ पे एस एस और एस ये एलिट्रेशन है, और स्माइल स्माइल एंड स्माइल रिपीटेशन है। दीज आर ऑल आर द पोइटिक डिवाइसेज। सो बट आई कुड नॉट से एनी थिंग टू माई मदर, आई ओनली सेड दैट मदर आई विल मीट यू वेरी सून, देन आई स्माइल एट हर, बिकॉज द पोइट कमला दास वॉज हैविंग अदर वर्क्स ऑल्सो टू डू इन ऑर्डर टू मीट द अदर नीड्स ऑफ हिज लाइफ। ही हैज़ टू वर्क एंड दैट्स वाई सी नीड टू लीव हर मदर्स। ओके सो देयर फोर, और इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं, तो एट लास्ट ही स्माइल एट हर मदर एंड सी टोल्ड हर मदर दैट आई विल मीट यू वेरी सून। Now think it out. Now we will look at five of the important questions which generally comes in exam or somewhat related to this five question only. So let us see. Question is, what is the kind of pain and ache that the poet feels? Now think for a moment and then look at the answer. Question is कि जो poet है किस type के pain को feel कर रही थी और उन्हें कौन से दर्द का महसूस हो रहा था poet को। So let's look. The poet, while leaving her parents' home, observes her mother's pallid face. Pallid face का मतलब poor health. Poor health से जब हमारा face pale हो जाता है, सूख जाता है, तो उसे pallid face बोलते हैं. For the poet, the ashen face of her mother, ashen face मतलब होता है pale with shock. जनरली जब हमें shock लगता है तो हमारा face कैसा सूख जाता है, लाल सा हो जाता है, मतलब shocking face we must have seen, right? सो फॉर द पोएट वो शॉकिंग क्यों था, क्योंकि उनके माँ को भी तो दर्द हो रहा था ना, कि उनकी देर विल बी नो कंपेनियनशिप फॉर हर, फॉर द पोएट्स मदर, सो दैट्स वाई मदर्स हर मदर्स फेस वॉज ऑल्सो पेल। सो फॉर द पोएट द एसेंट फेस ऑफ हर मदर लॉस्ट ऑफ ऑल वाइटलिटी एंड कलर बियर्स रिजेम्बलेंस टू अ कॉर्प्स। शी रियलाइजेज विद पेन दैट हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड एंड इज नियरिंग हर डेथ। सच थॉट मेक हर रिकलेक्ट ऑफ हर चाइल्डहुड फियर and anxiety of losing her mother. The idea of getting separated from her mother distresses her. Even her smiles are an expression of her helplessness at the face of what is inevitable. Okay, so इसके जो कुछ points हैं वो that we can see here. So जो कमला दास थे उनको डर था कि उनकी जो माँ है कुछ समय में ही मरने वाली थी. Okay, because she is already old now. वो she realizes with pain that her mother has grown old and is nearing her death. So such thoughts make her recollect her childhood fear and anxiety. Okay, and ये जो thought थे उनको कमला दास को जो childhood में fear and anxiety थे of losing her mother उनको याद दिलाता है। An idea of getting separated from her mother distresses her. और उनको दुख ये जो idea था कि कुछ समय बाद वो mother से और वो खुद separate हो जाएंगे वो उनको distress कर रहा था। Even her smiles are an expression of her helplessness at the face of what is inevitable. और वो जो अंत में जब वो हंस के और अलविदा कहती हैं तो उस समय जो उनका स्माइल था दैट इज सिंपली एन एक्सप्रेशन ऑफ हेल्पलेसनेस बिकॉज सी कैन नॉट डू एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस एट द फेस ऑफ वाट इज इनएविटेबल बिकॉज इट इज समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज को रनिंग ट्रीज ऐसा क्यों डिस्क्राइब किया गया था। देन लुक एट हियर, व्हाइल ड्राइविंग टू एयरपोर्ट In an effort to distract herself from the thoughts of her aging mother, the poet looks at the young tree sprinting. In order to distract herself from the pain of losing her mother, the poet is thinking of all these things. Okay, that is sprinting trees. The trees seem to be running fast, the moving car. The sprinting trees symbolizes the rapidly passing years of human's life from childhood to old age. And the sprinting trees, jo dorsi bhi ped यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, जैसे कैसे हम बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। द टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, और वो जो टाइम, सो दिस स्प्रिंटिंग ट्रीज सिंबलाइजिंग दैट फास्ट एजिंग ऑफ आवर द ह्यूमन्स। ओके, फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। द इमेज विद सोच एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ इज कंट्रास्टेड विद दैट ऑफ हर मदर, ओल्ड एंड वीक मदर हु सीम्स डॉर्मेंट स्लीपिंग इन द कार। यंग ट्रीज रिप्रेजेंट लाइफ in contrast to her mother's approaching death. So this sprinting tree is also a contrast to the activity and strength. If we are young, we are able to do some actions and that is activity. And we have a strength. And in contrast to that, her mother was old and weak. So he was inenergetic. He was having no energy at all.
who seems dormant, sleeping in the car, and the young tree represents her life in contrast to her mother's approaching death. और यंग ट्री यहाँ पे लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, एंड जो हर मदर, उनकी जो माँ है, यहाँ पे अप्रोचिंग डेथ को रिप्रेजेंट कर रही है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. तो क्वेश्चन है, जो पोएट है, इस इमेज को इस पूजा पे क्यों ला रहे हैं कि जो बच्चे थे वो घर से बाहर आ रहे थे, द मेरी चिल्ड्रन, जो खुश बच्चे थे, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. इन द पोएम द पोएट हैज शोन कंट्रास्टिंग इमेजेस ऑफ लाइफ एंड डेथ. Okay, so at the same time, this is a poem, we can see that there is a contrast between life and death. She was thinking of her mother, which was where her mother was approaching death. And at the same time, she was taking the examples of the running tree, the happy children, which was the example of youth and the life. Okay, so these are the contrasting images, okay, of life and death. She has incorporated the image of many children running out of their house to play. In order to signify liveliness, okay, liveliness, vigor, energy, health, beauty, and happiness. Children are beautiful, they are with vigor, energy, they are healthy, and they are happy. This image is a sharp contrast to that of her mother. Contrast matlab hota hai ki just opposite to that of her mother, who is nearing her death, okay, and has become old, inactive, weak, and withered. I had already discussed this. The poet has juxtaposed the two images to indicate the contrasts between them. Juxtapose मतलब होता है मिलाना, okay? तो यहाँ पे जो poet है वो दोनों image को मिलाने का कोशिश कर रही है. वो जो liveliness होता है young children के पास, और वो जो old children जो dormant हो जाते हैं और उनके पास they have already lost all that vigor, beauty and happiness, okay? So the poet is trying to juxtapose them, okay? He's trying to relate both the situations. Childhood marks the beginning of life, whereas the old age marks its end. So childhood hota hai, wo beginning of life ko mark karta, right? And the old age marks the end, its end. Now we will look at the fourth question. Why has the mother been compared to the late winter's moon? So poet apne maa ko late winter's moon se kyun compare kar rahi hai? And in general also, why the old age is generally compared with the late winter's moon. So we will look at the answer. With the growing age, the poet's mother has started losing all her vitality and radiance. Okay, her mother was growing, she was losing all her energy, okay, and radiance. The poet uses a simile of late winter's moon for her mother to indicate her approaching death. So yahan pe jo late winter's moon hai wo unki maa ki jo approaching death hai usse compare kar rahe hai poet. Winter being the last season of the year is synonymous with the lifelessness and dormancy. As old age is also the last phase of our life, as compared to the winter being the last season of the year, therefore winter ko bhi yahan pe unhone compare kiya hai. This can be synonymous with the lifelessness and dormancy. Okay, that is something which is poetic, and poet uses such comparisons. And the winter's moon is also pale white in color, bearing close resemblance with her mother, who, having lost all her strength and beauty, looks wan and pale to the poet. So, as I already discussed, that the winter's moon is also pale and wan, like it doesn't have that much radiant as compared to the moon of the summer. Okay, so similarly, she is comparing this winter's moon to her mother, who has lost all her strength, beauty, and looks wan and pale to the poet. She is looking wan and pale to the poet. Here, wan means same, that complexion of her face, right? Pale face, ashen face. To the poet, her mother too is in the last phase of her life. As again, the same thing, the moon is, winter's moon is, the winter season is the last phase of the year. Similarly, her mother, which is old, so the old is also the last phase of one's life. Now we will look at the fifth question. What do the parting words of the poet and her smile signify? जो parting words हैं, parting मतलब अलग होने वाले जो शब्द poet बोल रही है यहाँ पे, and her smile signify, और वो जो last में हंसती हैं वो क्या यहाँ पे signify, उनका क्या significance है? So now we will look at the answer. हम उत्तर पे देखते हैं. The poet's parting words, "See you soon, Amma," signify both her farewell to her mother and an effort to leave her with optimism and cheer. So the parting words kya tha? See you soon, Amma.
ओके सिग्निफाई बोथ हर फेयरवेल हाउ वी डू जनरली फेयरवेल सी यू शोन एंड बाय समथिंग लाइक दिस ओके सो सिग्निफाई बोथ हर फेयरवेल टू हर मदर एंड एन एफर्ट टू लीव हर विथ ऑप्टिमिज्म सो ऑप्टिमिज्म एंड चीयर ऑप्टिमिज्म एंड चीयर से छोड़ने का एफर्ट कर रही थी पोएट क्योंकि सी वॉज ऑलरेडी इन पेन ऑफ लूजिंग हर मदर द पेन ऑफ सेपरेशन दे ऑल्सो इनेबल द पोएट टू एम्पैथाइज विद द सेंस ऑफ आइसोलेशन फेस्ड बाई हर मदर इन द ओल्ड एज आइसोलेशन हर मदर सो दे ऑल्सो इनेबल द पोएट टू एम्पैथाइज द सेंस ऑफ आइसोलेशन सेंस ऑफ आइसोलेशन क्यों क्योंकि उनकी जो अम्मा थी वो अब अकेले रहती थी मतलब उनके साथ कोई कंपेनियनशिप नहीं था सो ही वॉज एम्पैथाइज वो संवेदनशील अपना संवेदना जता रही थी इन द ओल्ड एज ओल्ड एज में जो जनरली पीपल फील दैट आइसोलेशन दैट सी इज सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी एंड सी इज नॉट बीइंग टेकन केयर बीइंग लव ओके जनरली इट हैपेंस व्हेन इन द मॉडर्न एज व्हेन द चाइल्ड ऑफ वंस मदर गोज फॉर द वर्क और जॉब सो हर मदर आर लेफ्ट आइसोलेटेड ओके हर स्माइल सिग्निफाई हर हेल्पलेसनेस एट द फेस ऑफ हर मदर्स इनएविटेबल डेथ उनका जो स्माइल है वो यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है हेल्पलेसनेस एट द फेस ऑफ हर मदर्स इनएविटेबल डेथ पेंडिंग डेथ और वो कुछ नहीं कर सकते हैं इफ समवन हैज़ टू डाई एवरीवन हैज़ टू डाई सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग ओके व्हेन वंस एज इज कंप्लीटेड एंड ही इज डन विद हिज लाइफ ही हैज़ टू लीव ओके आफ्टर सर्टन एज सर्टन टाइम सो हर स्माइल्स इज That's the same thing, her helplessness at the face of her mother's inevitable death. They express her love and concern for her mother, and they are expressing her love and concern for her mother along with the underlying pain and struggle that she undergoes in coming to terms with this bitter realization. And they are expressing her love and concern for her mother. और जो poet है यहाँ पे अपना love और concern अपने mother के प्रति express कर रहे हैं with the underlying pain. And the pain is same, the pain of separation and struggle that she undergoes in the coming to terms with this bitter realization. जब वो इन सब चीज़ों को सोचती हैं और सब सोचने के बावजूद भी वो अपने मदर के प्रति जो लव एंड कंसर्न जताने का कोशिश कर रहे हैं ओके एंड आफ्टर दिस बिटर रियलाइजेशन एंड गोइंग थ्रू ऑल दिस पेन ऑफ वर्क दैट सी हैज़ टू डू द जॉब एंड ऑल दिस थिंग्स Now, before we read the message of this story, the message of the poem, the poetess, the whatever message she is willing to give us, let me tell you there is one thing very much unique in this poem. और वो जो uniqueness है कि वो हम next slide में देखेंगे. So, let's read now this message. Okay. So, message is aging is natural process and it will affect each one of us. Okay. क्योंकि हम लोग जब बच्चे होते हैं तो वी डोंट नो ऑल दैट कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ कि व्हाट ऑल स्ट्रगल्स दैट वी आर गोइंग टू फेस एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ इज दैट ऑफ चिल्ड्रेन आर परटर्ब्ड बाय द कंडीशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड विश टू बी विद देम मतलब कि जो चिल्ड्रेन होते हैं माता पिता के जो संतान होते हैं वो अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं व्हेन दे आर ओल्ड और व्हेन दे आर इन प्रॉब्लम एंड विश टू बी with them the complexity of life is that of children are perturbed by the condition okay perturbed by the condition ka matlab halat se hairan ho jate okay of their parents and wish to be with them yeah aisa situations aata hai either old age or when they are diseased lekin yahi to complexity hai aisa hota nahi however they have to leave their parents hame apne parents ko chhodna padta hai behind and move on with our commitments move on matlab yeah, move on with their commitments The question arises how to strike a balance between looking after the aging parents and attending to our duties and responsibilities. और यहाँ पे question ये आता है कि हम कैसे balance करें? The question arises how to strike a balance between looking after the aging parents. हम अपने बूढ़े माता पिता के साथ कैसे अपने समय को spend करें, उनको प्यार करें, उनको उनकी उनका care करें और उनके प्रति संवेदनशील रहे, उनका देखभाल करें, उनकी सेवा करें and attending our duties and at the same time हम अपने duty को भी नहीं छोड़ें क्योंकि ड्यूटी नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा और पैसा नहीं आएगा तो हमारा लाइफ और कम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा हम कैसे मतलब अपने जीवन को जीवन शादी को कंटिन्यू करेंगे एंड अटेंडिंग टू आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों क्योंकि हम सबके पास सर्टन वी ऑल हैव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी टू एग्जीक्यूट सो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं कि हम कैसे बैलेंस करेंगे तो इट्स वेरी सिंपल इफ यू रियली केयर
And if we really want to serve our mother, parents in the old days, and if we love, we will do that, then there are, it's never hard. Okay? We can serve our mother and father very simply and in all possible ways. The only thing is if we are willing to do that. और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि इसके ऊपर मैं एक नया प्रेजेंटेशन तैयार करूँ और आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बताऊँ बहुत अच्छे से. एंड नाउ वी विल लुक एट द यूनिकनेस ऑफ दिस पोएम. सो यू विल नोटिस दैट द होल पोएम इज इन ए सिंगल सेंटेंस पंचुएटेड बाई कॉमास. इट इंडिकेट्स अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट इंटरस्प्रेड with observations of the real world around and the way these are connected to the main idea. You will see that it is in a single sentence. This is the uniqueness of this poet. And the poet has indicated all his thoughts and all that he has collected, all that thoughts from the observations which he has, okay, from the real world around the way that also that he has collected, and he has presented it in the form of poem, okay. And here comes the end of this presentation. But before you leave watching this video, please do one favor, that don't forget to subscribe the channel, okay. If you like the video, please don't forget to like, or yeah, please, if you like the video, don't forget to press your thumb on the like button. And you, if you want similar videos, then please subscribe the channel so that you will get the similar videos and you will be updated, okay. And a humble request, please again and again subscribe the channel, okay. Dhanyavaad.